हेलो दोस्तों, आपके सामने ये जो गाड़ी दिखाई दे रहा है, इसका मैंने हैंडल पूरा खोल चुका हूँ। हैंडल और शॉकर, शॉकर शॉकर में इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इसका मैंने हैंडल में इशू है, क्योंकि इसका जो रेसर है वो डैमेज हो गया है, जिसके वजह से कि थोड़ा सा भी आगे में ब्रेकिंग करने के टाइम हैंडल में प्ले रह रहा है और गाड़ी चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो इसी का वजह से इसका हैंडल का रेसर चेंज कर रहा हूँ। तो कौन सा गाड़ी है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है हीरो गाड़ी, हीरो हीरो का जो है इम्पल्स, इम्पल्स का हम लोग रेसर सेट चेंज कर रहे हैं। तो क्या है इसका रेसर का कॉस्ट और रेसर कैसे क्या आता है, कौन सा रेसर लगता है इसमें, क्या पार्ट नंबर है, मैं आपके साथ सब बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका रेसर, जो कि एक क्वान्टिटी में दो ठो रेसर रहता है और एक पैकेट में दो ठो रहता है। तो यहाँ पे बेरिंग है, यहाँ पे रेसर था, क्योंकि इसका भी MRP है 396 और इसका भी MRP है 396। और बेरिंग हेड पाइप अप, तो दोनों पार्ट नंबर सेम है। तो मैं जब सर्विस सेंटर से ये दोनों रेसर ले रहा था, तब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि एक ही रेसर कैसे लगता है, क्योंकि हम लोग का जितना सब गाड़ी आता है नीचे में अलग लगता है और ऊपर में अलग लगता है। यहाँ पर टी में जो रेसर लगता है वो थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो इसका रेसर का मैं पार्ट नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसका रेसर का पार्ट नंबर है 910-51KYJ-711S बेरिंग हेड पाइप अप। इसका MRP है 396, मैन्युफैक्चरिंग है 10-2022 का, बट मैंने इसको ऑर्डर किया था बोल के बहुत ज़्यादा लेट से मिला मुझे रेसर सेट। तो क्योंकि मैं अभी इसका रिसेंटली वीडियो बना रहा हूँ, 2023 है बट मैन्युफैक्चरिंग है 2022 का। तो फ्रेंड्स, इसका और एक तो दिक्कत क्या रहा कि रेसर सारा निकल गया, यहाँ से भी मैं रेसर निकाल चुका हूँ, ये नया वाला इंस्टॉलेशन हो चुका है और ऊपर में बैठा है नहीं हूँ, बाद में बैठाऊँगा। तो इसमें दिक्कत यह रहा कि हम लोग का जो ये फॉर्क है बट्टी है, तो ये जो है नया रेसर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नया रेसर को यहाँ पे बैठाना है। बट ये जो पुराना वाला रेसर है, यहाँ पे हम लोग का जितना सब टी आता है एक ठो रबर रहता है या फिर थोड़ा सा स्पेस रहता है, जिससे कि हम लोग ये रेसर को निकाल सकते हैं। बट मैं जब इसको ट्राई कर रहा हूँ निकालने के लिए, मेरा दो ठो स्क्रू ड्राइवर बर्बाद हो गया और ये वाला छेनी भी ट्राई किया, इससे भी नहीं निकल रहा है, और ये छोटा वाला भी ट्राई किया, इससे भी नहीं निकल रहा है। तो इसको हम लोग निकालने पड़ेंगे, निकालने के लिए हम लोग इसको लेद लेके जाएंगे, वहीं से ही निकालेंगे इसको। और कैसे क्या निकालना है, अगर मैं आपके साथ एक तो शेयर कर दूंगा वीडियो कैसे निकालना है हैंडल रेसर हीरो इम्पल्स का। तो इसका मेन दिक्कत ये हो रहा है कि ये रेसर के वजह से मुझे गाड़ी कंप्लीट करने के लिए टाइम लग गया। तो इसका सब पुराना रेसर सब यहाँ पर रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मेन रीज़न है कि इसका रेसर निकल नहीं रहा है, इसी के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, रेसर कौन सा रेसर लगता है इम्पल्स में, उसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये छोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको मैं बाद में बताता हूँ ये रेसर को कैसे निकालना है। तो इसका एक सेकेंड पार्ट में मैं बता दूंगा कि इसका रेसर को कैसे निकालना है और